आप एप्पल स्टोर की बात कर रही हैं, एक्चुअली वो एक चीज़ हाईलाइट हो गई है, दे आर नॉट ओनली ओपनिंग एप्पल स्टोर, उनका टेक्नोलॉजी में और भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हैं। आप देखें रिसेंटली उन्होंने स्पेस मिशन लॉन्च किया है, तो एक्चुअली थिंग इज़ कि उनकी डायरेक्शन जो है वो आई थिंक उन्होंने अपने मुताबिक उसको सेट किया हुआ है। आइडिया लगाएंगे कि एप्पल स्टोर का मंथली रेंट कितना है? नहीं जी, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, मुझे रेंट का नहीं पता, अगर आपको है तो फिर भी थोड़ा तुक्का लगाएं, एप्पल स्टोर है, इतना बड़ा एप्पल स्टोर है, उन्होंने डॉलर में चार्ज करना होता है, तो मेरे ख्याल में बिलियन ट्रिलियन में तो उनका रेंट होगा मंथली। बीइंग अ पाकिस्तानी हम हमेशा से ये कहते हैं कि इंडिया से हमारा कंपटीशन है, तो वो कंपटीशन क्या सिर्फ एक मिलिट्री की हद तक है या इस हद तक है, तो मेरा ख्याल है इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है, और अगर वो ये माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं तो व्हाई नॉट पाकिस्तानीज। हम अभी तक भी आईएमएफ की तरफ देख रहे हैं कि हमें वो कब कर्ज़ा मिलेगा, हम कब इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है, और कब जो है वो अपनी गवर्नमेंट को चलाएंगे। हम तो अभी स्टिल आईएमएफ की तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन इंडिया की जहाँ तक बात है, इंडिया ने आई थिंक के दो एप्पल स्टोर लॉन्च किए हैं, ओपन हुए हैं इंडिया में, और इंडिया की अगर बात की जाए तो उन्होंने अभी रिसेंट कोई दो दिन पहले उन्होंने जो है वो फुली इलेक्ट्रिक मर्सिडीज जो है वो लॉन्च की है इंडिया ने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, बॉम्बे में खुलने वाले एप्पल स्टोर के बाद पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान की इकॉनमी ग्रोथ की तारीफों से ट्विटर को भर दिया है। सोशल मीडिया में हर तरफ हिंदुस्तान में खुलने वाले एप्पल स्टोर के चर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि हिंदुस्तान में एप्पल स्टोर खुल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी तक आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की कोशिश कर रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? वकास शहबाज। सर, इंडिया में, इंडिया के शहर बॉम्बे में एप्पल का पहला स्टोर खुलने के बाद ट्विटर पर जो पाकिस्तानी सार्फीन है वो इंडिया की तारीफें कर रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और इंडिया की अचीवमेंट पर बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की कि इंडिया में एप्पल स्टोर खुल गया है 25 सालों के बाद? आई थिंक ये इंडिया की एक अचीवमेंट है, और ना सिर्फ वो एप्पल पे काम कर रहा है, इस तरह की वो चीज़ें बना रहे हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी में वो और भी काफ़ी जो है वो माइलस्टोन अचीव कर रहा है। सो बीइंग अ पाकिस्तानी हम हमेशा से ये कहते हैं कि इंडिया से हमारा कंपटीशन है, तो वो कंपटीशन क्या सिर्फ एक मिलिट्री की हद तक है या इस हद तक है, तो मेरा ख्याल है इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है, और अगर वो ये माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं तो वाई नॉट पाकिस्तानीज। बस सिर्फ ये है कि एक इंटेंट है उस तरह की, और उस लिहाज से आपको ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। सो पाकिस्तान कैन आल्सो अचीव दैट टाइप ऑफ माइलस्टोन। सर, अगर हम बात करें कि सब कंपनीज़ का, इन्वेस्टर्स का इंडिया की तरफ रुझान क्यों है, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है जो हमारे ही पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भारत जो है वो बिज़नेस फ्रेंडली है, और इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी है, जिसकी वजह से ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का, बिजनेसमैन्स का जो रुझान है वो इंडिया की तरफ है। आई थिंक ये ठीक है सोच, और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो आई थिंक वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, ह्यूमन रिसोर्स भी है उनके पास, और वो अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको मैनेज कर रहे हैं, अपने बिजनेस के साथ अरेंज कर रहे हैं, उनको एक तरह से गुड मैनेजमेंट आई थिंक सो। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इन्वेस्टर्स जो हैं हमारे यहाँ इन्वेस्टर जो है वो शायद हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करने को प्रेफर करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग ह्यूमन बीइंग्स। सो आई थिंक दे आर ऑन द राइट डायरेक्शन, एंड आई होप सो कि पाकिस्तान भी जो है वो इस डायरेक्शन में जाए, और इस तरह की चीज़ें जो है वो इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। और जहाँ तक बात रही फैसिलिटेशन की, तो ये एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बिजनेसमैन इवन एवरीवन वांट्स कि उसको वन विंडो जो है वो फैसिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे जो एनओसीज़ हैं वो इशू होने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, परमिशंस हैं, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं, और ये सारी चीज़ें हैं जो एट द एंड इस सारे चीज़ का सबब बन रही हैं। सर, एक एप्पल स्टोर तो खुल गया है ना बॉम्बे में, और दूसरा 20 अप्रैल को दिल्ली में खुलने जा रहा है, तो इंडिया को इससे कितना फ़ायदा होने वाला है, इंडिया की आवाम को खासकर? अच्छा, एक्चुअली यहाँ बार बार आप एप्पल स्टोर की बात कर रही हैं, एक्चुअली वो एक चीज़ हाईलाइट हो गई है, दे आर नॉट ओनली ओपनिंग एप्पल स्टोर, उनका टेक्नोलॉजी में और भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हैं। आप देखें रिसेंटली उन्होंने स्पेस मिशन लॉन्च किया है, तो एक्चुअली थिंग इज़ कि उनकी डायरेक्शन जो है वो आई थिंक उन्होंने अपने मुताबिक उसको सेट किया हुआ है। और जहाँ तक बात है एप्पल स्टोर की, तो आईफोन यूज़र्स जो हैं, एक्सपेंसिव फ़ोन है वन ऑफ द फोन्स, लेकिन आप ये देखें उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं होगा कि वो एक प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट होगी, उससे जितना रिसोर्स जनरेट होगा, और सबसे बड़ी बात बीइंग अ पाकिस्तानी जो हमें आज तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है चीज़ों को इम्पोर्ट करने के लिए, तो वो उनको कहीं से बाहर से कोई चीज़ नहीं लेनी पड़ रही, वो अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और अपनी जो पॉपुलेशन है उसको आई होप के जो चीज़ें पॉजिटिव हैं वो
फेस सामने आती हैं, लेकिन जो नेगेटिव है वो नहीं आ रही होंगी। ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी हैं, लेकिन वो एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं कि उसको मैनेज किया जाए। सो आई थिंक दैट इज़ गुड इनिशिएटिव। 25 साल के बाद इंडिया में एप्पल स्टोर तो आ गया, पाकिस्तान में कब तक आने की उम्मीद रखें हम? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में ऐसा कुछ अभी तक होगा, क्योंकि वो सिर्फ एप्पल स्टोर, अगेन वही बात है, सिर्फ एप्पल स्टोर की बात नहीं है। उसके लिए आप देखें, हमारे पास तो अभी तक सोशल मीडिया रेगुलेट नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और सिर्फ कोई एक चीज़ यहाँ पे आ जाए, कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में लोकल कंपनीज़ हैं लेकिन वो शट डाउन हो रही हैं। सो द थिंग इज़ कि आपको सिर्फ चीज़ को ले कर नहीं आना, आपको उसको इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना है, आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, और ज़ाहिर है उसको एक ये सारी चीज़ें मिलके एक प्रोडक्टिव चीज़। इन्वायरमेंट ना होने की वजह से तो पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आ रहा। आपने बात की कि यहाँ पर जितनी कंपनी थी वो शट डाउन हो गई हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो शट डाउन होकर बांग्लादेश शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उन्हें वैसे की जो है फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। और हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो है वो पॉलिसीज इस तरह की हैं कि हर बिजनेसमैन अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और सबसे पहली बात है, जब भी आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो पहले उसके पीछे कुछ सोच होती है, जिसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं, और बाकायदा तौर पे एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड स्पेशल इनिशिएटिव। पाकिस्तान में भी है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो किस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं वो ज़ाहरी तौर पे तो नज़र ही नहीं आ रहे। हाँ, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद हम HEC की स्कीम के थ्रू लैपटॉप स्टूडेंट्स को दे देंगे तो हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए हैं। मैं इससे एग्री कुछ हद तक करता हूँ। पिछली हुकूमत की तरफ से ये इनिशिएटिव था कि वो HEC के थ्रू स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स देते थे, और वो लैपटॉप्स इस हद तक थे, हमने भी वो लिए हुए लैपटॉप्स, और वो स्टूडेंट्स को एटलीस्ट एक टेक्नोलॉजी से यूज्ड टू हो रहे थे, लेकिन सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है। स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड करना, सिर्फ ये प्रोवाइड नहीं करना बल्कि उनको उससे रेलिवेंट ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत है। मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद ये है कि इंडिया में इसी तरह जैसे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, दे आर मूविंग स्टूडेंट्स टूवर्ड्स द टैबलेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ यूजिंग हार्ड बुक्स एंड द थिंग्स लाइक दैट। सो ये एक पूरे का पूरा प्लान है जो एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और उसके लिए ज़ाहिर है आपको एक एटमॉस्फेयर चाहिए और एक प्लानिंग चाहिए। सर, कहा जाता है जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ आज से 75 साल पहले, तो पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान के पास वसाइल मौजूद थे, लेकिन देखते ही देखते इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आज पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है कि हम मोहताज होकर रह गए दूसरों के लिए, कि दूसरा मुल्क हमें कर्जा देगा तभी हमारा मुल्क आगे चलेगा। अच्छा, आपकी इस बात से मैं तफाक नहीं करता, ये मिसलीडिंग है एक्चुअली कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, जितनी उनके पास फैक्ट्रीज थी, इवन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के पास ही थी, पाकिस्तान के पास शायद कोई एक इंडस्ट्री भी नहीं थी, तो पाकिस्तान को डेवलप होने में टाइम लगा। सर, हमारी जो आयरन मिल्स थी वो सारी यहाँ की ही थी। ओके, आयरन मिल्स की सिर्फ बात, एजुकेशन की बात करें तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी जो लाहौर में थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया में इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थी। इंडिया का आप एरिया देखें, उनकी पॉपुलेशन देखें, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने स्टार्ट में टेक ऑफ किया था। आपको पता है PIA वन ऑफ़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द एयरलाइन थी एट दैट टाइम, और जो एमरेट्स थी उसको इवन PIA ने जो है वो सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद अब देख लें PIA कहाँ है। सो देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम एज वेल एज इन द पॉलिसी मेकिंग। सो ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। और मैं आपको एक इसी की एक एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट्स जो है ना वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप देखें इंडिया में लास्ट 2 tenures जो है वो एक गवर्नमेंट लेके चल रही है, इसी तरह आप रशिया में देखें, टर्की में देखें, चाइना में देखें, गवर्नमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए काम करती हैं। हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट जो है अपना 10 year पूरा नहीं कर पाती, एक दूसरी गवर्नमेंट आकर उस गवर्नमेंट को ख़त्म कर देती है, उसकी पॉलिसीज़ को शट डाउन कर देती है, वो गवर्नमेंट दोबारा पावर में आती है, वो उसी पॉलिसी को अपने को दोबारा को रिवाइज़ करती है। सो देर इज़ अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 1 government, एक सिंपल वर्ड्स में उसकी एक गवर्नमेंट का गैप है, वो 5 years 4 years का गैप है, तो उसको मीटअप करने में कितना टाइम लग जाएगा। करंट सिचुएशन देखें, जो पॉलिसीज़ प्रीवियस गवर्नमेंट की थी, अच्छी थी या बुरी थी वो एक अलहदा से बहस है, लेकिन जो भी कोई पॉलिसी थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही। वो कहते हैं हमारी पॉलिसीज ठीक थी, ये कहती थी, उन्होंने रैप अप कर दी, अब हम नई पॉलिसी ला रहे हैं, अब ये नई पॉलिसी ला रहे हैं तो ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कब होगी, अभी तो वो बनेगी। सो इट इज़ लॉन्ग वे अगो, सो आई डोंट थिंक इतना कोई जल्दी इसमें कुछ चेंज आने वाला है। आपका नाम? मेरा नाम मिस्टर दानिश अली शमस। सर, इंडिया में बॉम्बे में एप्पल का पहला स्टोर खुलने के बाद ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सार्फीन के जानिब से इंडिया की इस अचीवमेंट पर बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा की जा रही है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, पाकिस्तानियों की जानिब से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, अप्रिसिएशन तो बनती है, क्योंकि जो काम कोई भी अच्छा कर रहा है,
चाहे कोई भी मुल्क हो, कोई भी कंट्री हो, तो मेरे ख्याल में अप्रिशिएट तो करना चाहिए, ठीक है। और अप्रिसिएशन के साथ पॉजिटिव माइंड भी होना चाहिए कि हम भी इस चीज़ को आगे लेके, हम भी इस चीज़ प्रोग्रेस में, हमारा भी मुल्क तरक्की करे। हम जितने भी पॉलिटिक्स, जितने भी क्राइसिस हैं या हमारे मुल्क में जितने भी क्राइसिस हैं, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, उसको सब एक, मेरे ख्याल में एक फोरम पे इकट्ठा हो के उन सबको जो है ना बाइफरकेट करें चीज़ों को, और चीज़ों को जो है ना वो एक कंक्लूजन लेके आए। और हमारा, मेरे ख्याल में एज आ पाकिस्तानी मैं तो खुश हूँ कि चलो उन्होंने तरक्की की है, हमारा मुल्क भी इस चीज़ में ना आगे बढ़े, तो अच्छा अप्रिसिएशन होनी चाहिए और अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, इंडिया को। सर, जो पाकिस्तानी सार्फिन ट्विटर पर इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि इंडिया कहां से कहां पहुंच गया, 25 साल बाद इंडिया में एप्पल स्टोर खुल गया है और पाकिस्तान अभी तक IMF से बेल आउट पैकेज के लिए जद्दोजहद कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, हम अभी तक भी IMF की तरफ देख रहे हैं कि हमें वो कब कर्ज़ा मिलेगा, हम कब इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है, और कब जो है वो अपनी गवर्नमेंट को चलाएंगे। हम तो अभी भी स्टिल IMF की तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन इंडिया की जहां तक बात है, इंडिया ने आई थिंक कि 2 एप्पल स्टोर लॉन्च किए हैं, ओपन हुए हैं इंडिया में। और इंडिया की अगर बात की जाए तो उन्होंने अभी रिसेंट कोई 2 दिन पहले उन्होंने जो है वो फुली इलेक्ट्रिक मर्सिडीज़ जो है वो लॉन्च की है इंडिया ने, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंडिया तो काफ़ी तरक्की कर रहा है, और इंडिया क्यों वो तरक्की की रीज़न ये है तरक्की की कि वो एक हाथों में चल रहा है और उसमें ये चीज़ें नहीं है, उसमें आर्मी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। हमारी आर्मी जो है, उन्होंने अपनी आर्मी को एक बॉर्डर तक महदूद रखा है, चौकियों तक। हमने अपनी आर्मी को DHA में धकेल दिया, हम अपनी आर्मी को कॉरपोरेट जो ज़मीन है वो हम फाइनेंस कर रहे हैं उसे, तो हम कहाँ से तरक्की करेंगे जब आर्मी ही इन्वॉल्व हो रही है हर कामों में। तो मेरे ख्याल में जब तक ये चीज़ें हल नहीं होती, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सर, इंडिया की इतनी बड़ी कामयाबी की एक वजह ये भी है कि इंडिया जो है वो बिज़नेस फ्रेंडली है और प्रोग्रेसिव है, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर को कभी भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, इस तरह की फैसिलिटीज़ और इस तरह की जो है हम पॉलिसीज़ नहीं दी जो इंडिया दे रहा है। इसलिए हर बड़े से बड़े इन्वेस्टर का रुझान जो है वो इंडिया की तरफ है। श्योर, ठीक कह रही हैं, एग्रीड, 100% एग्रीड। इंडिया अभी जो है वो 18 मुल्कों के साथ अपनी ही करेंसी में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, आप डॉलर को छोड़ें, अपनी ही करेंसी में बाकी जितने भी आपके नेबर कंट्री हैं उसके साथ ट्रेड करें। उससे आपका एक तो रुपया मुस्तकम होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें कि इन्वेस्टर से, मुझे याद है कि 2020 में इमरान खान ने आपके नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे एयरपोर्ट बनाने का ना एक प्लान किया, और सारे जो फॉरेनर थे इन्वेस्टर्स उन सबको बुलाया कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, ठीक है। उन्होंने, उनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया था, ठीक है। बाद में गवर्नमेंट चेंज होगी, आपको पता है जैसे ये रिजीम चेंज के बाद ये गवर्नमेंट आई है, उसके बाद आप अपनी इन्फ्लेशन रेट को देख लें और अपनी ये हमारा चीज़ों की प्राइसेस देख लें कि इस टाइम मुल्क की सबसे बुलंद तरीन जो है वो सतह पर चीज़ें रमज़ान में देख लें कि चीज़ों की प्राइसेस हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया के एक अच्छा इनिशिएटिव है, इंडिया जो है अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है, और पाकिस्तान अभी डॉलर से बाहर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के ऊपर आप देख लें बिलियन ट्रिलियन में कर्ज़ा है, तो पाकिस्तान कहाँ से तरक्की करेगा जब आपके पास आप कर्ज़ा जो 18 बिलियन 20 बिलियन आप लेते हैं, 40 बिलियन लेते हैं, और ऊपर से आप रिवर्ट बैक करते नहीं हैं, वो आपको प्लस उसका इंटरेस्ट भी चार्ज होता रहता है, वो जो कि ज़ाहिर है फिर आपका जो ख़जाना है वो रिज़र्व में कहाँ आएगा, वो तो फिर डेफिसिट चला जाएगा ना। सरप्लस में करना हो ख़जाने को तो फिर आपको इस तरह के इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं। और सर, आपको पता है अब एप्पल का जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो इस एप्पल स्टोर पर जो है वो सबसे पहले दस्तयाब होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अब इंडिया वालों को एप्पल का प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए किसी दूसरे मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके अपने मुल्क के अंदर एप्पल का एक स्टोर खुल गया और 20 अप्रैल को दूसरा खुलने जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम, ठीक कह रही हैं आप। उससे एक चीज़ में ये भी इंक्रीज़ होता है कि आपको टैक्स की रेशो कम देनी पड़ती है। PTA प्रूव जो होता है यहाँ पर, हमारे PTA प्रूव आप देख लें कि 13 Pro Max है, अगर वो 4-5 लाख का है तो उस पर PTA प्रूव के लिए आपको 2-3 लाख देना पड़ता है। तो इंडिया में अगर एप्पल स्टोर ओपन हो रहे हैं तो उसमें एक तो PTA अप्रूव जब होगा, ये PTA अप्रूव तो तब होता है बाहर से आते हैं, क्योंकि वो तो खुद के वो लॉन्च कर रहा है एप्पल स्टोर ओपन। मेरे ख्याल में PTA प्रूव की कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी, और दूसरा ये कि उनको ज़ाहिर है एक डेवलप्ड कंट्री है तो डेवलप्ड कंट्री में इस तरह के इनिशिएटिव होते हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। सर, आइडिया लगाएंगे कि इस एप्पल स्टोर का मंथली रेंट कितना है?
नहीं जी आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, मुझे रेंट का नहीं पता, अगर आपको है तो फिर भी थोड़ा तुक्का लगाएं, एप्पल स्टोर है, इतना बड़ा एप्पल स्टोर है, उन्होंने डॉलर में चार्ज करना होता है, तो मेरे ख्याल में बिलियन ट्रिलियन में तो उनका रेंट होगा मंथली, ठीक है, तो अगर लाखों की बात करें तो? लाखों की बात करें तो मेरी समझ में नहीं आता, लाखों में रेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एप्पल एक ब्रांड है, पूरी दुनिया में सेल आउट सबसे ज़्यादा होने वाली चीज़ है, अगर आप मोबाइल की कैटेगरी में चेक करें तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में सेल आउट होने वाली चीज़ है, तो लाखों में नहीं, करोड़ों में, अरबों में बात करें उसका रेंट, क्योंकि वो तो हो भी जाएगा, इंडिया में मोस्टली आपको पता सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन इंडिया में है इस टाइम, सबसे ज़्यादा आपको अंबेश अंबानी को देख लें और भी शाहरुख खान जितने भी बड़े सुपरस्टार हैं इंडिया में, जितने भी बड़ी इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपको पता है 42 लाख है उसका पर मंथ रेंट एप्पल स्टोर का जी। अच्छा सही, चले अच्छा हुआ आपने मेरी नॉलेज के लिए ये बताया, ये आपने पाकिस्तानी रुपीज़ में बताया या आपने इंडिया की रुपीज़ में बताया? इंडियन। तो पाकिस्तानी देखे ना, करोड़ों में तो बन गया, मैं तो एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ ना, उनका एक रुपया हमारा कितना बनता है मेरे ख्याल में 18 या 20 है, तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तानी तो करोड़ों में बात चली जाएगी ना। सर आपका नाम? मेरा नाम कुरम। सर भारत में एप्पल का पहला स्टोर खोल दिया गया है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्विटर पर पाकिस्तानी सार्फिन ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की तारीफें कर करके ट्विटर को भर दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखें, एक्चुअली बात यह है कि ये जो बातें सुनने में आ रही हैं और अगर पाकिस्तानी ट्वीट कर रहे हैं तो इसमें ये है कि जब उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है और सबसे बड़ी बात है कि जब कौम एक होती है और मुतहद होती है तो वो डेफिनेटली वो चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो या अगर आप वैसे ही फिज़िकली उनको जो है देख लें तो वो मतलब इस चीज़ को लेके वो लोग पहले भी हम लोगों से ऐसी चीज़ों में बहुत आगे जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग एक तो इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है और उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट रिलीफ भी देती है और इस तरह का रिलीफ नहीं देती है कि जैसे पाकिस्तान में रिलीफ दिया जाता है कि लोगों को लाइनों में खड़े करते हैं और आटा देते हैं और मतलब एक समझ लें कि जैसे कि एक मीडिया के थ्रू अगर आप मीडिया वाले जो अगर अपनी पीआर बनाने के लिए तो वो इसको कोई ना कोई ऐसा पैकेज या कोई ना कोई ऐसी चीज़ आगे लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए जो है ना हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है वो इसी तरह से अपनी वोटिंग के लिए जो है ना वो हम लोगों से कोई ना कोई बेनिफिट ले रही होती है, तो हमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि आवाम को चाहिए कि एक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब तक आवाम एक नहीं होंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, और जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी आवाम जब एक होती है तो वो कंट्री जो है ना वो आगे ग्रो कर रही होती है, अदरवाइज़ नहीं। सर पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और अभी तक हम IMF से बेल आउट पैकेज लेने की जदोजहद कर रहे हैं, अब आप देखें कि वहाँ पे बॉम्बे में पहला एप्पल स्टोर जो है वो खोल दिया गया है और 20 अप्रैल को दिल्ली में दूसरा एप्पल स्टोर खोला जाएगा, और यकीन करें पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, चर्चे हो रहे हैं हर जगह इस खबर के। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बात ऐसा है कि जब आप देखें कि बात वहीं पर आ जाती है इकॉनमी की, तो हमारे तो अभी भी आप जाके देखें कितने ऑटोमोबाइल के देख लें, कितने भी यूनिट्स हमारे बंद हो चुके हुए हैं, और मतलब सिर्फ सबको मैं बड़ी क्लियरली बात करूंगा कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, किसी को मुल्क की नहीं है, किसी को आवाम की नहीं है, सब अपने लिए कर रहे हैं और सब हर कोई जो है ना वो अपनी अपनी भागदौड़ में लगा हुआ है, कोई किसी का किसी को ख्याल नहीं है। लेकिन सर इंडिया की गवर्नमेंट अगर हम देखें तो बिज़नेस फ्रेंडली है, प्रोग्रेसिव है, उन्हें पता है कि हमने बिजनेस किस तरह अपने मुल्क में लेकर आना है। अब आपको पता है इस एप्पल स्टोर का जो रेंट है वो 42 लाख रुपए पर मंथ का रेंट है। जी डेफिनेटली ऐसी है, आप ये चीज़ भी देखें कि एक तो उनकी आवाम जो है वो अगर वहाँ पे जो वहाँ की आबादी को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप बड़ी सिंपल सी बात है वहाँ पर अगर 1 रुपये की चीज़ आप लॉन्च करते हैं तो वो 10 करोड़ लोग अगर ले रहे होते हैं तो उस कंपनी को तकरीबन समझ लें कि 10 करोड़ रुपये का फ़ायदा हो रहा है 1 रुपये की चीज़ सेल करके, तो वो 100 करोड़ आबादी है ऑलमोस्ट। तो हम लोग तो यहाँ पे हमारा तो सिस्टम ही एक बिल्कुल चेंज हो जाता है, हम लोग इवन के रमज़ान में भी रिलीफ देने के बजाय जो होता है वो हम लोग लोगों की खाल उतारने पे जो है ना तुल जाते हैं कि बस इसी इनकी खाल उतार लें किसी तरह से, जिसको जो मिलता है वहाँ पर ले लें, इवन कि पेट्रोल महंगा हुआ 10 रुपये महंगा किया, 10 रुपये बहुत बड़ी बात होती है, एक कभी हम लोग सुनते थे कि पैसों में पेट्रोल महंगा होता था, अभी रुपयों में और 50-100 रुपये में महंगे हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता है। लोगों को चाहिए कम से कम कुछ नहीं तो ट्वीट करने की बजाय अगर एक हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग भी ये हर तरह के अचीवमेंट्स ले सकते हैं, हम लोग हर शोबे में आगे जा सकते हैं, पाकिस्तान किसी से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय, उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।